हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नफीस और आप देख रहे हैं डेली का मौसम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ मैं आपके से। चलो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। हरमैन शरीफैन में क़याम लैल का अहतमाम। इस पाक महीने के अंतिम 10 दिनों में मदीना में मस्जिद नबी शरीफ में हरम मक्की में मरमजा के साथ क़याम लैल की नमाज अदा की जाती है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के अनुसार दो पाक मस्जिदों के कस्टोडियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबी शरीफ में तहज्जुद और तरावी की नमाज अदा करने की मंजूरी दे दी है। मक्का और मदीना में दोनों मस्जिदें मुस्लिम दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिद हैं। दुनिया भर के मुसलमान उसमें नमाज पढ़ने के लिए तरसते हैं। इस साल पहली बार दोनों मस्जिदों की में तरावी के 10 रकात पेश किए जा रहे हैं। तरावी में कटौती नए कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए की गई है। दोनों मस्जिदों में पाक कुरान तहज्जुद नमाज में सुनाई जा रही है। नए कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सामान्य नमाजियों को अभी अपनी नमाज के लिए दो पाक मस्जिदों में जाने की अनुमति नहीं है। सऊदी अरब मलेशिया को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। सऊदी अरब ने मलेशिया को नए कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए 7.5 मिलियन से अधिक चिकित्सा इकाइयां दान की हैं। सबक वेबसाइट के अनुसार मलेशिया के विदेश मंत्री ने मलेशियाई समाचार एजेंसी को बताया है कि कुआलालंपुर में सऊदी राजदूत महमूद अल-कतान ने शाह सलमान सेंटर फॉर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस को उपहार की सूचना दी थी। सऊदी अरब ने लाखों सर्जिकल फेस मास्क, N95 सुरक्षात्मक मास्क और कोरोना उपचार में विशेषज्ञों के लिए विशेष कपड़े मलेशिया भेजे हैं। 150 कृत्रिम श्वसन मशीन, 80 गहन देखभाल उपकरण और 180 गैर सर्जिकल वायु उपकरण। मलेशियाई विदेश मंत्री ने कहा है, हमें 1 लाख N95 मास्क मिले हैं, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दिया गया है, जबकि अन्य मशीनें उपकरण मास्क रास्ते में हैं। मलेशिया के विदेश मंत्री ने कोरोना संकट से निपटने में बहुमूल्य सहयोग के लिए सऊदी नेता किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का धन्यवाद किया और उपहार को दोनों भाई देशों के बीच संबंधों में एक चमत्कार उदाहरण रूप में वर्णित किया। ताइफ कैदी पहली बार ऑनलाइन दिखे। पहला ऑनलाइन मुकदमा एक आपराधिक अदालत की मदद से ताइफ जेल में आयोजित किया गया था। सऊदी का न्याय मंत्रालय राज्य की सभी जेलों में ऑनलाइन ट्रायल की व्यवस्था करने की नीति अपना रहा है। नए कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन मुकदमेबाजी अपरिहार्य हो गई है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के अनुसार ताइफ जेल में निदेशक कर्नल माजिद अल तबीती ने कहा है कि जेल में मुकदमे के पहले दिन 5 कैदियों को सुविधा का लाभ मिला। ताइफ जेल में दृश्य केबिन के साथ एक भवन निर्माण किया गया है, जिसमें से चार व्यक्ति मामलों के लिए आरक्षित हैं, जबकि एक केबिन सामूहिक मामलों के लिए आरक्षित है। पिछले 24 घंटों में खाड़ी देशों में नए कोरोना वायरस के 5,992 नए मामले सामने आए हैं। पीड़ितों की कुल संख्या 1,18,610 पहुंच गई है। इनमें से 441 गंभीर स्थिति में हैं और वायरस से मरने वालों की संख्या 621 तक पहुंच गई है। 36,311 मरीज ठीक हुए। एमिरेट्स अल यूम के अनुसार गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात में 698 नए मामले दर्ज किए गए। पीड़ितों की कुल संख्या 21,084 थी, उनमें से 6,930 बरामद हुए, जबकि 208 वायरस से मर चुके हैं। एक की हालत गंभीर है। स्काई न्यूज़ के अनुसार कतरी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 1,733 नए मामले दर्ज किए गए।